पाटीदारों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था यानी उमिया धाम, जहां पर लक्षचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर एक मीटिंग होती है जिसमें एक शख्स इस कार्यक्रम में अमित शाह को बुलाने को लेकर विरोध करता है। मारो तो एकला शानो विरोध है, यूं नहीं मारो विरोध है, वो मुझे साहेब नहीं और कुछ साहेब मनी और कुछ, हमें तो रंगे जंगे हमारे तो संस्थान का बनाया लगी थी, 2009 ना अंदर कोई कारण बनी तू, पाटीदार समारोह के लिए जोश हो तो जुस्सो हो तो पंचायत से मुड़ा कोई हमें लाडवा ऊपर है, हमने आनंद हमारी मानो प्रसन्न था तो हमने दुख नहीं, हमें क्या नहीं आता, हमारी इनो जय जयकार बोलो, 144 पाटीदारों सोड़ा ही तो 50 करोड़ रुपया 100 करोड़ आपे नहीं चोता गुजरात एक ऐसा राज्य जिसकी राजनीति पाटीदारों के बिना अधूरी है। वही पाटीदार समुदाय जहां से सरदार पटेल आते थे। दरअसल गुजरात की राजनीति में पाटीदार सबसे बड़ा फैक्टर है और सभी राजनीतिक पार्टियां पाटीदार वोट बैंक को अपने पक्ष में रखना चाहती है, क्योंकि पाटीदार का झुकाव जिसकी तरफ ज्यादा उसका पलड़ा भी भारी और जीत के दावे भी उतने ही मजबूत हो जाते हैं। आपको शायद याद होगा सन 1981 का वो साल जब आरक्षण के मामले पर गुजरात में दंगे हुए थे। 1981 में कांग्रेस के नेतृत्व में गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ने खाम थियरी यानी क्षत्रिय हरिजन आदिवासी और मुस्लिम की सिफारिश पर समाज के पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की नीति लागू की थी, जिसके समर्थन पर वे फिर से सत्ता में आए। लेकिन तभी पाटीदार जो कांग्रेस की वोट बैंक थी वो कांग्रेस से रूठ गई और अब तक कांग्रेस सत्ता में वापसी ही नहीं कर पाई। 2014 आते आते इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समुदायों की संख्या 81 से बढ़कर 146 हो गई, लेकिन पाटीदार समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया। पर फिर अनामत की आग गुजरात में लगी और 2015 में हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार आंदोलन शुरू हुआ। इस बार सरकार भाजपा की थी, वही भाजपा जिसे पाटीदार 3 दशकों से काफी फेवर करते थे। आंदोलन उसकी चरम सीमा पर था और 25 अगस्त को लाखों की भीड़ अहमदाबाद में उमड़ गई, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर हो गई और दंगे हुए जिसमें 14 पाटीदार युवाओं की मौत हुई। खूब लाठी डंडे बरसाए गए, महिला हो या बच्चे सबको घर के बाहर निकाल कर बेरहमी से मारा गया। फिर एक बार ओबीसी कोटे में जगह तो नहीं मिली पर 14 युवाओं को जरूर खो दिया। पाटीदार शायद समझते थे इस बार सरकार उनकी तरफदारी करेगी, पर पूरे घटनाक्रम के बाद पाटीदारों का एक ग्रुप बीजेपी से नाराज हो गया, जिसका खामियाजा भाजपा को 2017 के चुनाव में भुगतना पड़ा और सन 1995 के बाद पहली बार भाजपा विधानसभा में 3 अंकों की संख्या को छू नहीं पाई और सिर्फ 99 सीटों पर सिमट गई। भाजपा से नाराजगी साफ थी पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभी भी पाटीदारों का स्नेह बरकरार था। आंदोलन के बाद भी मोदी पाटीदारों के कार्यक्रम में पहुंचे, पर अमित शाह को लेकर पाटीदारों की नाराजगी अभी भी जारी है। इसका नतीजा यह है कि पाटीदारों की कुलदेवी उमिया माँ का सबसे बड़ा लक्षचंडी यज्ञ का जो आयोजन हो रहा है उसमें एक धड़ा गृह मंत्री अमित शाह को बुलाना चाहता है, हालांकि दूसरा धड़ा अमित शाह को बुलाने को लेकर विरोध कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी राय हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल गुजरात तक को सब्सक्राइब करना न भूलें।